हेलो दोस्तों, मैं निगमानंद साहू स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरा ये एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ईटीएफ एफओएफ के बारे में। यानी ये बेसिकली एक फंड ऑफ फंड स्कीम होने वाला है जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है मेरा ये एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इसका जो ओपनिंग डेट है एनएफओ का 10 जनवरी को ओपन हुआ है और ये क्लोज होने वाला है 24 जनवरी को ये क्लोज होने वाला है। और नॉर्मल रीओपन ये होने वाला है कंटिन्यूस सेल्स एंड रिप्रेजिस्टर्स के लिए जो कि 1 फरवरी को ये ओपन होने वाला है। ये बेसिकली एक ओपन एंडेड स्कीम होने वाला है, ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम होने वाला है जो प्रेडोमिनेटली इन्वेस्टमेंट करने वाला है मेरा एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो आइए इसके बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें कि अभी क्यों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पहला जो सवाल ये आता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्यों इन्वेस्टमेंट करें, तो इसका रीजन कई सारे रीजन है। जैसे कि पहले अगर हम बात करें मेजर जो इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आने वाले समय में होने वाला है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 20% तक कंट्रीब्यूशन करने वाला है आने वाले 10 साल में, यानी डिकेड में, आने वाले एक डिकेड में 20% तक ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ देखने को मिलेगा जीडीपी में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होने वाला है। और पोटेंशियल एक्सपेंशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ने कई सारे पीएलआई स्कीम निकाला है जिसके तहत ये कंपनियां ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, $20 बिलियन तक कैपेक्स में कंपनियां कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और मेडिकल डिवाइसेस, जहां तक मेडिकल डिवाइसेस का सवाल है, इसमें मार्केट साइज जो है बाय 2025 ये $50 बिलियन तक पहुंचने वाला है। और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का जहां तक सवाल है, इसमें लार्जेस्ट एलोकेशन जो है पीएलआई स्कीम का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में देखने को मिलेगा, जो कि वैल्यू एडिशन कर सकता है उसी सेक्टर में। और ऑटो सेक्टर की बात करें, जहां ईवी का आजकल ईवी का कई सारे दौर चल रहा है ईवी का यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का, तो इसीलिए पीएलआई स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में काम करने वाली कंपनियां हो या तो जैसे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को ज्यादा बढ़ावा देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट अभी फोकस करने वाला है ट्वेंटी ट्रिलियन रुपीज का पीएलआई स्कीम जो है वो पुश करने वाला है प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर मैंने बात करी तो इस सेक्टर में ये पुश करने वाला है ₹2 ट्रिलियन का। गवर्नमेंट पुश करने वाला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पीएलआई जो इनिशिएटिव लेके वो पीएलआई स्कीम निकाल के इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ये पुश करने वाला है, यानी बढ़ावा देने वाला है। जैसे कि अगर हम बात करें, कई सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिया है इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव्स हो या मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है उसके चलते प्रोडक्शन में यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसे अगर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी निकाला है उसके चलते भी बढ़ावा देखने को मिलेगा यानी ग्रोथ देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अगर गवर्नमेंट ने जैसे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी निकाला है, स्किल इंडिया जो है वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेस्ड है। और साथ ही साथ समर्थ उद्योग, ये एक स्कीम, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है गवर्नमेंट। और 4.0 इंडस्ट्री जो इनिशिएटिव है, ये सारे 6 इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के द्वारा जो पुश देने वाला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। अगर पीएलआई स्कीम की बात करें, ये गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को 25,933 करोड़ का इनिशिएटिव दिया है पीएलआई स्कीम का, ऑटोमोबाइल सेक्टर को एलोकेट किया है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करें, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें, वहाँ पे पीएलआई स्कीम पर 18,420 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में 52,324 करोड़ का एलोकेशन किया है, जबकि वाइट गुड्स में 6,238 करोड़ का एलोकेशन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर हम बात करें निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की, निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डिटेल में जानते हैं कि इस इंडेक्स में कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है और इसमें इसका सेक्टर एलोकेशन क्या है, वो डिटेल देखते हैं। जैसे अगर निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की बात करें, ये ट्रैक करने वाला है परफॉर्मेंस, ट्रैक करने वाला है स्टॉक्स जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आते हैं उसका परफॉर्मेंस ये ट्रैक करने वाला है। ये जो स्टॉक्स होंगे
वो निफ्टी 100 इंडेक्स का पार्ट होंगे और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का पार्ट होंगे, साथ ही साथ निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स का पार्ट होने वाला है और स्टॉक फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एलिजिबल शॉर्टलिस्टेड बेसिक इंडस्ट्रीज। जो बेसिक इंडस्ट्रीज होंगे, शॉर्टलिस्टेड होंगे, वो आमफी क्लासिफिकेशन के अंदर एलिजिबल होना जरूरी है और ये 75% जो है कवरेज देगा फ्री फ्लोट मार्केट कैप। जो एलिजिबल होंगे स्टॉक बेसिक इंडस्ट्रीज के अंदर आने के लिए, वो 75% कवरेज देगा मार्केट फ्री फ्लोट मार्केट कैप के अंदर, ये कवरेज देने वाला है। और निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और वेटेज ऑफ द स्टॉक क्या होने वाला है, एक इस इंडेक्स में फ्री फ्लोट मार्केट के हिसाब से वेटेज दिया जाएगा एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, और इसमें मैक्सिमम जो वेटेज रहेगा, वेट रहेगा ये पर्टिकुलर स्टॉक का 5% रहेगा ज्यादा से ज्यादा, और मिनिमम वेट दिया जाएगा सर्टन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जो कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर ऑटोमोबाइल को ज्यादा से ज्यादा 20% तक वेटेज दिया गया है, सॉरी मिनिमम वेटेज दिया गया है 20% इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर को। सो ऑल द सेक्टर, ऑल द स्टॉक्स जो फॉर्म करने वाले हैं निफ्टी 100, वो कंपल्सरीली सेटिस्फाई होंगे, एलिजिबिलिटी रहेगा इस इंडेक्स के अंदर कंपल्सरीली इंक्लूड होने के लिए। और इंडेक्स का जो रिकंस्टिट्यूशन होने वाला है 6 महीने में, यानी सेमी एनुअली रिकंस्टिट्यूटेड होने वाला है, साथ ही साथ रीबैलेंस भी किया जाएगा। अगर इसमें मार्केट कैप की बात करें, सेक्टर वाइज मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इसमें टॉप जो सेक्टर होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में 20.4% का एलोकेशन है, जबकि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर जबकि ऑटोमोबाइल का 20.4% है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का 20.2 है, फार्मा का 17.2 है, मेटल का 14.4 है, जो ऑयल एंड गैस का 9.3% एलोकेशन यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस इंडेक्स के अंदर। अगर इसका परफॉर्मेंस की बात करें, अगर हम बात करें इस इंडेक्स का परफॉर्मेंस की लास्ट सिंस इंसेप्शन की बात करें, ये निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ने 14.5% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी ने 14.9% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 500 का 14.8% का रिटर्न दिया है। और पिछले 15 साल का अगर रिटर्न देखें तो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ने 11.7% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने दिया है 11.6% का, निफ्टी 500 का 11.8% का। और पिछले 10 साल का देखें 14.2% निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ने दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने दिया 14.8% का, जबकि निफ्टी 500 दिया है 15.7% का। और पिछले 3 साल का अगर रिटर्न देखें, परफॉर्मेंस देखें, तो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 16.4% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने 17.4% का दिया है, जबकि निफ्टी 500 ने 18.5% रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा इसी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात करें, 40.8% का रिटर्न दिया है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ने, जबकि निफ्टी 50 ने दिया है 32.5% का, जबकि निफ्टी 500 ने दिया है 38.1% का ग्रोथ देखने को मिला है इस इंडेक्स के। अगर स्टॉक एलोकेशन की अगर बात करें निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में, इसमें कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं, आइए जानते हैं। इसमें टोटल 79 कंस्टिट्यूएंट्स हैं इस इंडेक्स के अंदर। अगर टॉप 10 कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज इसमें 4.92% है, जबकि टाटा स्टील का कंट्रीब्यूशन 4.01 है, मारुति सुजुकी का 3.96 है, सन फार्मा का 3.90 है, टाटा मोटर का 3.46 है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का 3.37 है, डेविस लैब का 2.98 है, जेएसडब्ल्यू स्टील का 2.89। इसी तरह जो है 79 स्टॉक्स इस इंडेक्स के अंदर आते हैं। तो अभी सवाल आता है मन में कि वाई मेरा एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड ऑफ फंड्स स्कीम, इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करें। बेसिकली इसका जो एम रहेगा, प्रोवाइड पोटेंशियल ब्रॉड एक्सपोजर टू द की मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स इन इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा आने वाले समय में। गवर्नमेंट का कई सारे स्कीम, जैसे कि मैंने बताया पीएलआई स्कीम निकाला है, कई सारे इनिशिएटिव्स लिया है, इसके चलते ज्यादा ग्रोथ जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने वाले समय में देखने को मिलेगा, इसीलिए ये ग्रोथ देखने इसमें मिलेगा। और सेकेंड पॉइंट की बात करें, पोटेंशियल जो इन्वेस्टर होते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करके, की मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करके, अपना गवर्नमेंट का जो पीएलआई स्कीम है उसके तहत इसमें बढ़ावा देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इसमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा
ग्रोथ देखने को मिल सकता है क्लाइंट को, यानी इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर पोटेंशियल बेनिफिट की बात करें, जो इमर्जिंग स्पेसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मैंने बात करी, डिफेंस की बात किया मैंने, और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ज़्यादा पुश देखने को मिलेगा पीएलआई स्कीम के तहत, और ये इमर्जिंग मार्केट में, इमर्जिंग स्पेसेस में, इन सेक्टरों में, इन कैटेगरी के स्टॉक में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, डिफेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर इसमें लो ओवरलैप देखने को मिलेगा निफ्टी 50 में, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक्स आते हैं इसमें नहीं आते हैं, बहुत सारे कम स्टॉक्स आते हैं जो इस इंडेक्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो मेजोरिटी जो है एक्टिव फंड्स पोटेंशियली हेल्प करने वाला है डाइवर्सिफिकेशन, क्लाइंट को यानी इन्वेस्टर को डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा इस पोर्टफोलियो में। और जहां तक परफॉर्मेंस की बात करें, निफ्टी 50 इंडेक्स में देखा गया है लास्ट 8 कैलेंडर ईयर के अंदर, 6 कैलेंडर ईयर में इस मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है, निफ्टी 50 इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। और जहां तक एक इंडेक्स फंड है, इसीलिए फंड ऑफ फंड है, इसीलिए इसका कॉस्ट भी लो होने वाला है। साथ ही साथ ये रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी देखने को मिलेगा जो मैन्युफैक्चरिंग थीम में ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इनको डिटेल जानते हैं, जैसे कि मीरा एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ईटीएफ एफओएफ है, ये फंड ऑफ फंड स्कीम है जो 10 जनवरी को ओपन हुआ है, 24 जनवरी तक ये चलने वाला है। डेट ऑफ अलॉटमेंट 31 जनवरी होने वाला है। इसका बेंचमार्क जो है रहेगा जो रहेगा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई, यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स आईएनआर के आईएनआर रहेगा। और इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये रखा गया, और इसके बाद 1 रुपए के मल्टीपल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें प्लान्स और ऑप्शन की बात करें, इसमें दोनों प्लान्स रहेगा, रेगुलर एंड ग्रोथ दोनों प्लान्स रहेंगे। और इसमें ग्रोथ ऑप्शन और प्लान्स की बात करें, और इस ऑप्शन की बात करें, इसमें ग्रोथ ऑप्शन और आईडीसीडब्ल्यू दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। फंड मैनेजर है एमएस एकता गाला है, और इसका सीप अमाउंट मिनिमम जो है मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे आप कर सकते हैं, जिसका वैल्यूशन 1,000 रुपये मिनिमम रखा गया है, और मिनिमम एडिशनल परचेज आप 1,000 रुपये से कर सकते हैं। और इसका जो टैक्सेशन की बात करें, ये इक्विटी टैक्सेशन के तहत रहेगा, इन्वेस्टमेंट जो टैक्सेशन रहेगा इक्विटी टैक्सेशन रहेगा। और एग्जिट लोड की जहां तक सवाल है, आप अगर 3 महीने के अंदर आपका डेट ऑफ अलॉटमेंट का 3 महीने के अंदर आप अगर इसमें से रिडीम करते हैं या स्विच या रिडीम करते हैं, तो आपको 0.5% का एक्स्ट्रा चार्जेस यानी एग्जिट लोड लगने वाला है। अगर 3 महीने के बाद अगर एग्जिट करते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड इसमें नहीं लगेगा। इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। और इन्वेस्टमेंट कहाँ करने वाला है, प्रिडोमिनेटली इन्वेस्टमेंट करने वाला है यूनिट्स ऑफ मिराई एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ईटीएफ्स के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले इस फंड को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर एक बार जरूर सलाह लें। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया, लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।